पूरे यूरोप में यहूदियों के साथ थे। वो रगेता जा रहा था, ढूंढा जा रहा था, इज्तिमाई तौर पर हलाक किया जा रहा था, जमीन में खड्डे खोद कर उनको इज्तिमाई तौर पर दफन किया जा रहा था। उन्हें शहर में आने की वानियत थी, तुम हमारे शहरों में नहीं आ सकते, इसलिए कि तुम नापाक। और वह उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने पैगंबर का वो वजह तौर पर कातिल समझते थे। कभी कोई मुर्गी भी, उस जमाने में मुर्गी बहुत अहमियत रखती थी, मुर्गी भी कोई खाई जाती थी वो ईसाई कहते थे, ईसाई पंगन कहते थे। यहूदी को तो मुर्गी नसीब हो ही नहीं सकती, कंजूस करीना ये कौम है, कंजूस करीना। एक मुल्क से निकाला, दूसरे मुल्क से निकाला, तीसरे मुल्क से निकाला, इनको पूरे यूरोप में कहीं भी जगह ठिकाना इनको मिले ही, इनकी नस्ल मिटने के करीब हो गई थी। अरीब था कि दुनिया से खत्म हो जाए, तो हिटलर आया और फिर उसके बाद यहूदियों ने एक अफसाना बनाया, होलोकॉस्ट। There is no such thing as Holocaust in the world. कभी वही नहीं बात है। तजिया करें, एनालिसिस करें, अकल दौड़ाए, तो पोलैंड में या जर्मनी में 60 लाख यहूदी होना उस जमाने में जबकि मशीनरी नहीं थी, जबकि वसाइल नहीं थे, जबकि साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, 60 लाख यहूदियों को इज्तिमाई तौर पर कदम चला, दिस इज नॉट एन ईजी टास्क, कभी कोई हो ही नहीं सकता। शातिर दिमाग है, उन्होंने इसको फैलाया, प्रोपेगेंडा किया, मारा बहुत है उसने, हिटलर ने बहुत मारा है, क्यों ईसाइयों को उस जमाने में यहूदियों से नफरत थी, उनको देख के उनका खून खोलने लगता था, उन्हें मारा तो बहुत है। हिटलर ने सही तो पछराव किया था कि यही कौम है जो जमीन में सबसे ज्यादा फसाद किया। अमरीकी फोर्ड कार है ना, फोर्ड कार, उसका बानी हेनरी फोर्ड, उसकी किताब है द इंटरनेशनल ज्यू, मेरा ख्याल है मुश्किल से 50 या 55 सफे की किताब है, hardly it contains 55 pages. उसने तो पूरी दास्तान बयान की, उसने एक बड़ा अच्छा जुमला लिखा, पूरी किताब वर्थ रीडिंग है, उसका उर्दू तर्जुमा है यहूदी फितना घर लाहौर से किताब से, बहुत पुरानी किताब है। उसने एक जुमला कहा था कि अगर आप हमारे दौर यानी उस दौर के 10 यहूदी बड़े सरमायाकारों को कैद कर दें, जेल में डाल दें 10, तो दुनिया में जितनी जंगें हो रही हैं, जितना फसाद हो रहा है, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। आज मैं इसको रिवाइज करके कह सकता हूं कि आज हम दुनिया के 200 बड़े यहूदी सरकारों सरमायेदारों को पकड़ के जेल में बंद कर दें, इफ यू हैव दैट मच ऑफ द करेज और मन कर दें, तो फिर हम देखेंगे कि दुनिया में जंगें खत्म हो गई। मशहूर इनके बारे में कि जंगें यहूदियों की खेतियां हैं, दीज आर देयर नर्सरीज, यहां से पैसे कमाते हैं, फसलें कमाते हैं, इधर भी असला देते हैं, उधर भी असला देते हैं, अपने बैंक बैलेंस अपने दौर बढ़ाते। ये सूरत हाल उनकी कब से चल रही थी, जब से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहां आए थे। पहले यहूदियों ने मारा, फिर उसके बाद ईसाइयों ने उनको मारा, ईसाई जब ताकतवर हो गए, बड़ी कौन हो गए, इज्तिमाईयत आ गई उनके अंदर, उन्होंने यहूदियों को मारा, यहूदी छोटे रहे हमेशा से। लेकिन ये पॉइंट याद रखे, लिखे, दुनिया में आज तक टू डेट आज तक यहूदी मेना सुल्तान कभी 2 करोड़ की तादाद 20 मिलियन से आगे जा नहीं सके। आज तक दुनिया में यहूदी 2 करोड़ की फिगर से आगे नहीं बढ़ सके। इसकी वजह आप समझ सकते हैं, इसकी वजह उनका नस्ली होना है कि हमारा खुदा यहूदी, हमारा इब्राहिम यहूदी, हमारा इसहाक यहूदी, हमारा मूसा यहूदी, तो हम नस्ली लोग हैं, वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, अल्लाह ने हमें पसंद किया, अल्लाह ने हमें अपने इंतखाब में रखा है, हम उसकी चहेती कौन है, जन्नत हमारे लिए बनाई गई। तो हम दूसरी तबलीग का, प्रोपेगेंडे का, मिशनरी का जज्बा हमारे अंदर है, हम दूसरों को क्यों कबूल करें उनके रूप में, कि सारी दुनिया हमारी गुलामी के लिए बनाई गई है, द क्रिश्चियंस, द हिंदूज, द मुस्लिम्स एंड व्हाटएवर एल्स, जो कुछ भी है ये सारी हमारी खिदमत गुजारी के तौर पर पैदा की गई, दे आर आवर सर्वेंट्स, हम उसे काम लेंगे, उनको गुलाम बना के रखेंगे, हम उनको यहूदी कैसे बना सकते हैं यार, बहुत ऊंची नस्ल के लोग, हम उनको यहूदी नहीं बना सकते, हमारा कोई मिशन नहीं है, वी डोंट हैव एनी मिशन टू कन्वर्ट दिस सॉर्ट ऑफ पीपल एंड दैट सॉर्ट ऑफ पीपल, ये करें मुसलमान, ये करें जाके ईसाई। इसलिए दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। ईसाई में इस वक्त तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी आबादी बढ़ी है, 70 लाख, 70-75 लाख के दरमियान ये ईसाई में पाए जाते हैं, दिस इज जस्ट लिटिल फिगर, इतने ही तकरीबन अमेरिका में पाए जाते हैं।
1.5 लाख हो गए, बाकी जो 50 लाख हैं ये पूरी दुनिया में फैले हुए। तो ये सूरत हाल जब देखी कि इनको दुनिया में ऐसा भी हुआ एक दफा कि पनाह लेने की खातिर एक भरा हुआ जहाज शायद यहूदी महाजरीन का, कितना आजाब का दौर होगा आप सोचिए, पूरी ईसाई दुनिया इनके खिलाफ, जहाज भरा हुआ लेकर जान बचाने के लिए एक शिप जा रहा है, एक पोर्ट, दूसरा पोर्ट, तीसरा पोर्ट, सारे यहूदी बंदर को कोई उनको अपना लैंड नहीं करेगा, हमारे नहीं उतर सकते, तो मनुष्य लोग हमारे नहीं उतर सकते, वो पानी में डूबते मर गए। इस सूरत हाल को कम से कम 600-700 सालों तक देखने के बाद एक उनका फर्ज था, चैन वाइजमैन, CHAN WIEZMAN, चैन वाइजमैन उनका एक आदमी था, वो फकीर था, उसको बहुत तकलीफ हुई जब मुसलमानों पर या किसी भी कौम पर कैटेस्ट्रॉफी पड़ती है। दूसरी किताब है यहूदी मज़हब महद से लहद तक। इस किताब में मैंने पाकिस्तान में पहली बार उर्दू में यहूदी शरीयत को बहुत ज़्यादा तफसील से बयान किया है, उनके नहाने और पैदा होने और कब्रिस्तान में दफन करने और तलाक, ब्याह, शादी और इद्दत वग़ैरह के तमाम शरीय अहकामात जो यहूदी मज़हब में पाए जाते हैं उनको मैंने इस किताब में यकजा कर दिया है। ये किताब मुकम्मल तौर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और अब तक इसका 4th एडिशन शाया हो चुका है। बहुत बड़ा आलमिया पढ़ता है और जारी रहता है तो सोच भी डेवलप होती है कि आखिर कोई रास्ता तो निकलेगा, हम तो खत्म हो जाएंगे। तो उसको साथी केमिस्ट था, हमने जो ऐसे देखा अदालत में कि वो यहूदी के खिलाफ सारे फैसले हो रहे हैं, तो उसके जहन में ख्याल आया, उसने कहा कि क्यों ना अपने अलहदा मदन की तहरीक शुरू करें, वे शुड कार्व आउट ए न्यू लैंड फॉर आवर ओन सेल्फ, अपने लिए हमें एक नया खत्ता जैसे पाकिस्तान हमने बनाया, हम बनाएंगे अपने लिए एक अलग, वहाँ हमारा कानून चलेगा, फिर हम इसे महफूज जाएंगे। और इसके बुनियाद पर उन्होंने हॉलोकॉस्ट को बहुत फैलाया, तो उसके बुनियाद पर उन्होंने इतने इकदाम किए लगातार पैदल करके ईसाई दुनिया को, हम उनके सामने कन्फ्रंटेशन में नहीं थे उस वक्त, हम उनके सामने थे ही नहीं कुछ, हमसे उनका मतलब ये था ईसाइयों को वो जेर करना चाहते थे, उन्होंने चारों तरफ से इतने पहलू मैं आपको बताऊंगा थोड़े थोड़े, उन्होंने उनको घेरना शुरू किया, जब मारे जा रहे थे, खुदेड़े जा रहे थे, यहाँ तक भगाए जा रहे थे, हम मुसलमान स्पेन और तबाह में बगदाद, हमने अपने सीने दिल कुशादे कर दिए, तो बड़े बेईमान लोग हैं ना ये, हमने उनको अपने यहाँ बिठाए, ये इल्मी लोग थे ना, स्कॉलर थे, पढ़े लिखे लोग थे, शुरू से इनमें चस्का रहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त, पढ़ा करो यार, खुदा के लिए पढ़ते रहो, अपनी कोई ना कोई किताब पढ़ते रहो, कल तुम यहाँ खड़े होगे और किसी बड़े स्टेज पे जाके बात कर सकोगे। अहमद इदार कौन था? मरूम, उसने जाके न्यूयॉर्क वाशिंगटन में तमाम बड़े बड़े जवादरी पादरियों को ढेर कर दिया, हक था उसके पास, इल्म था उसके पास, अहमद इदार फ्रॉम अफ्रीका, डॉक्टर जाकिर नाइक कैसे पहुंच गए स्टेज पर, पूरी ईसाई दुनिया, पूरी हिंदू दुनिया एक शख्स से खौफ जाता है दुबले पतले से, इस नेम इज डॉक्टर जाकिर नाइक। तो पोजिशन पढ़ने से आती है, डाइवर्सिफाइड लीडरशिप होनी चाहिए आपकी। तो उन्होंने फिर हम मुसलमानों को वेलकम किया, और फिर हमारी ऐसी आदत है जो खाना आ गया, अब तो हलीम लोग हैं, तो हमने उनको कहा कि भाई आपको ये वजारत भी देते हैं, आपको सफारत भी देते हैं, आपको मुशीर भी बनाते हैं, खलीफा का वगैरह वगैरह, होना क्या चाहिए था, उसके बाद होना ये चाहिए था ना कि हमारे गुण गाते हैं, हमारे कदमों में बैठ जाते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमसे तो कम से कम दुश्मनी ना लेते हैं, हम तो उनके मोहसिन हैं, हमें उनकी जान बचाई, अगर हम स्पेन में और इराक में बगदाद में हम उनकी जान ना बचाते तो खत्म हो चुके होते हैं, एक उधर से मारे जाते हैं और इधर हमारे पास भी पता नहीं करते। There were 2 Europes in those days, 2 यूरोप एक साथ काम कर रहे थे, एक छोटा यूरोप, एक बड़ा यूरोप, बड़ा यूरोप तो ईसाइयों का था, लेकिन दूसरा यूरोप जो स्पेन था, स्पानिया था, तो यूरोप है ना, वो हमारा था, वो मुस्लिम यूरोप था, तो हमने उनको बहुत बड़े मर्तबे दिए, प्रोटोकॉल्स दिए हमारे खुलफा ने उस वक्त के, एक रबाई है
नाम इस तरह भूल रहा हूँ, मेरे को मोटी किताब है उसकी, उसने अपने यहूदी मजहब को, यहूदी कौम को बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में उसने मुतार करवाया, मोटी किताब है उसकी, बेहतरीन तरीके से मुतार करवाया और अपनी खूबियाँ खूबियाँ गिनवाई, बाकी सबको मुस्तर किया। येट फिर भी उसने एक बाब अलग से रखा है, आवर डिस्कोर्स विद क्रिसेंट एंड स्टार, इसको बाब है क्रिसेंट और स्टार से हमारा सादिका कुछ, फिर तारीफों की तारीफें की उसने, 20-25 सफात तो उसने खूबियां गिनवाई कि मुसलमान हमारी कैसे अगर रहमत बनकर आए। हमारा एक उन्होंने सीखा, हम भी इन्वॉल्व थे ना, तब तो बाब बगदाद वगैरह में ये सारी किताबें चल रही थी, दारुल हिकमत का था, हम बहुत इल्मी लोग थे उस जमाने में, बहुत इल्मी लोग, बहुत आगे थे, इजादत हमारी ऐसा है, उनके पास भी बहुत इल्म, उनका इल्म हमने हासिल किया, हमारा इल्म उन्होंने हासिल किया, इस तरह साइंस डेवलप हुई, आगे बढ़ी। उसने बात लिखी है, अब जैसे अहमद दीदार भी एक बात कहते थे, उन्होंने वहीं गए ना यूनिवर्सिटी में जो तकरीर की उन्होंने, तो उसने यहूदी तलबा ही बैठते हैं, अमेरिका में यहूदी बहुत है, तो ऑफ द मीटिंग में उन्होंने यहूदी तलबा से डिस्कशन, उनके पास आए बैठे बातचीत करने के लिए, मेरे भाई मेरे दोस्तों मेरे जिस तलबा, तो बात याद रखिए आप, अहमद दीदार इलिटरेट पर्सन थे, आते नहीं था उन्हें कुछ, पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो गुजराती नहीं आता था उनको कुछ, लेकिन वो कहते थे ईसाई ईसाई हर तफ्ता पढ़ तो उनके सवाल, उनके इतराजा, उनके चीजें, तो मेरे दिल में कसक पैदा हुई कि मैं कुछ सीखूं, फिर मैंने सीखा, अरबी पढ़ी, कुरान पढ़ा, हदीस वगैरह मुताला करते 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 इंग्लिश भी सीखी, मैं इस काबिल हो गया कि मैं उनको उनके शहर में जियर कर सकूं। तो इन्होंने क्या किया, चैन वाइजमैन ने और एक रॉक शेड कहलाता था, दो बानी है, उन्होंने कहा कि वतन की तहरीक क्यों ना शुरू करें, तो उन्होंने इसका नाम जो यरूशलेम में पहाड़ी है ज़ायन, दैट्स कॉल्ड ज़ायन, ज़ेड आई एन ज़ायन, सहून, सहून की पहाड़ी, उससे उसको मुंसलिक कर, जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहते थे कि इस जगह पर बैठ के वो हुक्मरानी करते थे, तो उसको उससे मुंसलिक कर दिया, देवर सेक्युलर पीपल, उनके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था, वो सेक्युलर लोग थे, लादीन लोग थे, चलाने वाले तहरी के, लेकिन उनका कि जब तक के मजहबी रंग ना दिया जाए तहरी तो आगे बढ़ती नहीं, चोला नहीं पकड़ती, तो उसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंसूब किया, और साथ में उनका जो यहूदियों का कहना है कि हज़रत सुलेमान साहब की एक निशानी थी हुकूमत की, छह कोनों वाला सितारा, डेविड स्टार, सितारे दाऊद की, उसका उन्होंने निशान बना लिया, उसका परचम बना लिया और तहरीक चलाई। आपको हैरत होगी सुनकर, अच्छा आइडिया था, बुंज बनना तो तुम्हारे लिए सारी जान बचने वाली थी, तो आप इतना बुंज बनाते, तरक्की होती, फला होती, लेकिन उस जमाने में जो यहूदियों की कांग्रेस जो बनी हुई थी, उन्होंने इस फार्मूले को मुस्तरद कर दिया हैरतअंगेज तौर पर, कि नहीं ये फार्मूला सही नहीं है, मुल्क बनाओगे तो वो खत्म ही हो जाएंगे हम लोग, लेकिन ये लोग अपने मिशन में डटे रहे और आहिस्ता आहिस्ता इनके हमनवा लोग मिलते चले गए। फिर उन्होंने 1917 में जंग अजीम अव्वल का जमाना था, कि उन्होंने लॉर्ड बल्फोर वजीर खारजा बरतानिया, अमेरिका को कोई हैसियत नहीं थी, सुपर पावर बरतानिया थी, उसके वजीर खारजा को कन्विंस किया, मुलाकातें की, कहा कि हम दर बदर कर रहे हैं, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फरियाद की, आप पता हुक्मरान तबका थोड़ा सा माइंड हो ही जाता है, अवाम किसी और तरफ, हुक्मरान किसी और तरफ, उमल का विक्टोरिया थी वहाँ पर, उसने फिर उनको कहा कि ठीक है आपके होलोकॉस्ट वगैरह का उन्होंने बहुत दर्द है, मसीहा गया, तो उन्होंने कहा ठीक है आपके लिए हम सूडान का मुल्क थे, कहना सूडान इन अफ्रीका, और उनका मुस्तरद कर दिया कि नहीं तो यरूशलेम, यरूशलेम हमारी जान है। तो ईसाइयों ने बहुत खूबसूरती के साथ दो काम किए, अपने मुल्क से निकाल दिया उन्होंने, मुसलमानों को बैठने लगा बसा दिया, एक तीर से दो शिकार, भाई होम होलोकॉस्ट तुमने किया है, ईसाई लोगों तुमने किया है इनको बर्बाद, तो अपने आप उसको जगह दो, उसका तरीका है, रेमेडी है कि तुम उनको अपनी आगे करो, बना दो कोई छोटा सा मुल्क अपने दरमियान में उनके लिए भी, ये फलस्तीन में लाके घुसाया, तो तुम इंग्लैंड में कोई
टुकड़ा टुकड़ा काट के तो नहीं, मोस्ट क्लेवर। और ये भी कहते थे कि नहीं, ये रशिया में जाएगा और इनको यहाँ ला के बसा दे। वो जो जेम्स वाइजमैन था वो इसराइल का पहला सदर भी बना। आप सर्च करें द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल, दैट्स जेम्स वाइजमैन, वो बनाया, दर्जा दिया उन्होंने, तहरीक चलती गई। अब उन्होंने कहा कि ये तो हो गया हमारे, और 16 मई 1948 उसी जंग अजीम हुई थी, उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखरे हुए थे, टेबल पर सल्तनत उस्मानिया की लाश पड़ी हुई थी और हर ईसाई ईसाई टुकड़े टुकड़े करके सामने इस वक्त हाल थी। तो बरतानिया के पास अरब दुनिया यानी शाम और सऊदी अरब की अरब दुनिया रहने इसके पास है, तो यरूशलम में किंग डेविड होटल है, बहुत बड़ा, आज भी मिल जाएगा। इसमें बरतानिया की फौजें ठहरी हुई थी और सेफ्टी के लिए क्या हंगामा ना हो, मसला ना हो। और दूसरी ताकत जर्मनी भी तो था ना मुकाबले पर बरतानिया के, इनको इतनी जल्दी थी, टुकड़ा तो इनको दे दिया, लेकिन सरकारी तौर पर इसका ऐलान करना, उसकी कोई तारीफ उन्होंने मुकर्रर की थी, जो द नेशन लीग ऑफ नेशंस थी, ये चाहते थे कि बस फौरी फौरी हो। तो इन्होंने किंग डेविड होटल पर सहूनियों ने, इन्होंने अपने आप को माउंट जायन से बन सके तो सहूनी कहलाने लगे, तो उन्होंने वहां पर धमाका किया, इतना जबरदस्त बम धमाका किया कि कई बरतानवी फौजी मर गए, कई जख्मी हो गए और बरतानिया वहां से तकरीबन निकलने पर मजबूर हो गया, धमाके शुरू किए। और इस तरह जब वो वहां से भाग गए तो 16 मई 1948 को इन बड़ों ने अस्खुद ऐलान किया कि हमने इसराइल कायम कर दिया। तो सुनम को ये तरीका ही गलत है, इसका ऐलान सरकारी तौर पर या तो बरतानिया का